सो हेलो गाइज, अगर आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कस्टम रूम कार्ड क्रिएट करने में, जब रूम कार्ड बनाने जाते हो तो गाइज वहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जहाँ पे आपको लोडिंग की प्रॉब्लम देखने में मिल रही है, तो अगर वो सर्किल आपको परेशान कर रखा है बिल्कुल से, तो ये वीडियो बस आपके लिए होने वाली है। जरूर से आज की वीडियो को एंड तक देखते रहना। मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि गाइज ये आपको प्रॉब्लम किस लिए देखने में मिल रही है एंड आपको उसका क्या इसका जुगाड़ है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना और यहाँ पे आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉक सेमस पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करके एक और काम कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। वीडियो में कुछ पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करके बस मेहरबानी कर देना, ठीक है। तो गाइस अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे आप कस्टम बनाने जा रहे हो यार OB23 के बाद, तो यार अब रूम फुल प्रॉब्लम तो आपको पता है पहले आपको देखने में मिल रही थी जो अब नहीं देखने में मिल रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद ये न्यू प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे आपको लोड हो रहा है एंड ये उससे भी बहुत इरिटेटिंग हो रहा है रूम फुल प्रॉब्लम से, ठीक है। क्योंकि यार ये चक्कर देता है, एक जगह ना ही मोबाइल का बैक बटन काम करता है, फिर आपको गेम रिस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो बैक बटन भी नहीं काम करता है, बस एक सर्किट आएगा वो चलता रहेगा, बैक भी नहीं होगा, तो बहुत इरिटेट करता है वो प्लेयर्स को। एंड इसको लेकर मैं बस OB23 के बाद से कमेंट्स आ रहे थे एंड ये बग है यार ये OB23 के बाद देखने में मिल रहा है, तो उसके बाद से मैं बस कमेंट्स आ रहे थे इसको लेकर, ठीक है। तो मतलब कि आज ही सैटरडे को जब से हुआ है तो ये प्रॉब्लम आपको देखने में मिल रही है। तो यार अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कस्टम जैसे आप क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लोड आ रहा है, मतलब गोल से सर्किल आ रहा है, तो वो परेशान कर रहा है प्लेयर्स को। तो अभी मैं आपको बता दूँ पहले वो किस वजह से हो रहा है, उसका मैं आपको काम चला हुआ एक जुगाड़ बता दूंगा जिससे आप उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये किस लिए हो रहा है। तो यार मैं आपको सिंपल से बता दूँ भाई लोग कि यहाँ पे आपको पता है OB23 का अपडेट आया है एंड फ्री फायर की थर्ड एनिवर्सरी इवेंट आने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है थर्ड एनिवर्सरी इवेंट, क्योंकि यार फ्री फायर की एनिवर्सरी है तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स आएंगे आपको एंड इवेंट देखने में मिलने वाले। तो यार वो सारे इवेंट्स हमारे सर्वर पे इंजेक्ट किए गए हुए हैं, ठीक है। इंजेक्ट से मतलब कि यहाँ पे डाल दिए गए हैं, पर अभी हमारे सर्वर पे वो दिखा नहीं रहे क्योंकि उन लोगों को बस लोड कर दिया गया है। बाकी जैसे जैसे इवेंट आते रहेंगे तो उन सबको लोड करके हमारे सर्वर पे मतलब कि फुलफिल कर दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमारे सर्वर पे दे दिया जाएगा उन इवेंट्स को, ठीक है। तो अभी सर्वर में बहुत ज्यादा लोड पड़ा क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं एंड OB23 रिसेंटली आ रखा है, अभी बरमूडा का मैप आने वाला है एंड बहुत सारी चीजें न्यू आने वाली हैं जो कि बहुत सरप्राइजिंग होगा प्लेयर्स के लिए। तो सब लोग उसका वेट कर रहे हो यार। तो यार सिंपल से मैं आपको बता दूं ना भाई लोग, यहाँ पे सिंपल क्या है कि यहाँ पे इसीलिए प्रॉब्लम देखने मिल रही है एंड इसको प्रॉब्लम नहीं बग कह सकते हो, क्योंकि यार OB23 एक अपडेट है, ठीक है। मतलब OB23 एक पैच अपडेट था जिसमें आपको अपडेट देखने में मिले थे एंड गाइस उसके साथ साथ कुछ बग्स तो आना ऑब्वियस ही बात है कि आपको वो बेसिकली देखने में मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं यार, आई होप कि यहाँ पे गरीना जो है, यहाँ पे गरीना वालों को पता चल गया होगा, नहीं पता चला जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे यार उन लोग को ये सब फिक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारा काम नहीं है कि हम इसको फिक्स करेंगे ऐसे जुगाड़ लगा लगा के। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे आप इसको मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा भी। तो ये पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे OB23 में ये बग आ चुका है, ठीक है। तो एक बग समझ सकते हो उसको कि यहाँ पे बग आया है जिससे कोई प्रॉब्लम बार बार देखने में मिल रही है, तो ये बहुत इरिटेटिंग है एंड यहाँ पे बार बार आपको मोबाइल रिस्टार्ट करना पड़ता है मतलब की गेम को। तो सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ इसका जुगाड़ क्या है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कस्टम पे आ जाओ अपने, और मेरे पास कस्टम कार्ड नहीं फिर भी आपको बता देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको अर्जेंटली बनाना है कस्टम कार्ड, तो यार आप सिंपल से बस एक काम कर सकते हो, अगर आपको अर्जेंट मैचेस खेलने हैं तो अभी आप क्या करना, जब भी कस्टम बनाने जाना तो जहाँ पे आपका रूम नेम रहता है, रूम नेम को आपको पता होगा फर्स्ट ब्लैंक पे आता है, तो वहाँ पे आपको रूम नेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रूम नेम चेंज करने से मतलब है कि वहाँ पे आपको रूम नेम का जैसे आपका नाम आएगा, जो भी यूजर इन गेम आईडी होगी तो वो लिख के आता है, ठीक है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। सिंपल उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा या कोई अजीब से ऑड से वर्ड में लिखना पड़ेगा जहाँ पे उसका कोई सेंस ना निकलता हो, ठीक है। तो मतलब विदाउट सेंस वाला लिखना, बाकी आप ट्राई करो कि हिंदी में लिख लोगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है उस प्रॉब्लम को ना फेस करने की। तो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो यार 3 से 4 बार गेम रिस्टार्ट करो एंड हिंदी में नाम डालो, तो ये आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर देगा फिलहाल, ठीक है। तो यार ये छोटा सा जुगाड़ था जो मैंने आपको बता दिया, बाकी ये ज़्यादा इसका चांसेस नहीं है, मतलब कि आई मीन तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब कि सीधे से बोलूँ कि यार एक बार में आप ऐसा नहीं फिक्स कर सकते हो, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि यार मोबाइल भी स्टक हो जाता है उस समय, मतलब कि वीवर की स्क्रीन भी स्टक हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें। तो मैंने आपको सिंपल से बता दी ना भाई कि यहाँ पे सिंपल से आप क्या करना, कि यहाँ पे सिंपल से 3-4 बार रिस्टार्ट करना एंड हिंदी में नेम डालना, तो यार आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा फिलहाल। इसको आप जुगाड़ समझ लो क्योंकि यार ये कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तो अभी जुगाड़ समझो, बाकी ये फ्री फायर वाले बग्स फिक्स कर देंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि उनके पास पहुंच जाएगी ये खबर कि ये प्रॉब्लम हो रही है एंड आई होप उनको पता भी चल चुका होगा अभी तक, ठीक है। तो जल्दी बस थोड़ी दिन वेट कर लो, अपने आप ही प्रॉब्लम ये सब फिक्स हो जाएगी। तो यार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। आई नो यहाँ पे आपको मैंने कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया है, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक बना ही नहीं है, मैं आपको पागल नहीं बनाना चाहता हूँ झूठ बोल के, ठीक है, क्योंकि यार गलत चीज़ नहीं बताना, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, जो मेरे को पता था वो मैंने बता दिया, बाकी इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।